पीएफआई पर मोदी सरकार का एक और बड़ा एक्शन, हमेशा के लिए नामोनिशान किया खत्म। पीएफआई के जिंदा ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने। ये तो आप जानते ही होंगे कि मोदी सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है, लेकिन ये तो बस कहने वाली बात है, क्योंकि अमित शाह ने अपनी चाल चल दी है और अब पीएफआई का नामोनिशान खत्म हो जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको, बने रहिएगा आखिर तक। आपको बता दें कि पीएफआई के ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। अभी तक की 2 राउंड की छापेमारी हो चुकी है और इस छापेमारी में संगठन के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और इससे बैन कर दिया गया है। बता दें कि इससे जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और कैद की सजा या जुर्माना आरोपियों पर लगाया जाएगा। बता दें कि पीएफआई पर बैन के बाद उसके ठिकानों को भी सील किया गया है। यहां तक कि सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद करने की कवायद की जा रही है और हर तरफ से इसका नामोनिशान मिटाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने पीएफआई के ट्विटर अकाउंट को भी बैन कर दिया है। बता दें कि भारत सरकार के कंप्लेन के बाद ट्विटर इंडिया ने पीएफआई के ऑफिशियल अकाउंट को बैन कर दिया है। आपको बता दें कि पीएफआई को बैन करने की मांग कई राज्यों ने उठाई थी। हाल ही में एनआईए और तमाम पुलिस एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों को गिरफ्तारी की थी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन करने के साथ उससे जुड़े 8 संगठनों पर भी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बीते 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में जांच एजेंसियों को पर्याप्त सबूत मिले। उसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों के कहने पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन करने का फैसला किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने अब पीएफआई को हर तरह से बैन करने की कवायद शुरू कर दी है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी पीएफआई अब कुछ नहीं कर सकेगा और अब यहां से भी इनकी छुट्टी हो गई है। तो पीएफआई के ट्विटर अकाउंट के बैन होने पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह ने सही किया या फिर नहीं, कमेंट करके बताएं। और साथ ही इस खबर को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।